की चर्चा कर रहे हैं और रेल की प्री बिड मीटिंग प्राइवेट प्लेयर्स के साथ मंगलवार को होने वाली है और इस खबर के चलते यहां पर तेजी देखने को मिल रही है। ये बताइए आपके फेवरेट्स क्या हैं स्पेस में और आपने कैसे देखा इस इवेंट को? मयूरेश सर, आपकी राय रेलवे शेयरों पर इस बैठक से पहले? सॉरी अमन जी, मुझे सुनाई नहीं दिया। नहीं बिल्कुल, आई थिंक ये बैठक में आई थिंक जो उभर के आएगा इज गोइंग टू बी वेरी वेरी पॉजिटिव, क्योंकि आई थिंक नॉट ओनली फॉर द प्राइवेट प्लेयर्स बट एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट एंटिटीज के लिए भी। तो जैसे हमने एक बार दो हफ्ते पहले भी बात की थी, मुझे लगता है आई थिंक इफ यू प्रॉपरली प्लेस योर सेल्फ, इरकॉन काफी बढ़िया लग रहा है। आई थिंक इट इज नॉट जस्ट इन टू एग्जीक्यूशन ऑफ रेलवे कंस्ट्रक्शन, बट जहां तक आई थिंक इनकी ऑर्डर बुक है, जैसे हम बात कर रहे हैं काफी सरकारी कंपनियों की, आई थिंक काफी तगड़ी ऑर्डर बुक है एंड दे हैव बीन डूइंग एन एग्जीक्यूशन ऑफ देयर ऑर्डर बुक प्रीटी वेल। तो जो टॉप लाइन ग्रोथ की हम उम्मीद रखते हैं वो काफी बेहतर है, डेट बहुत ज्यादा बुक्स पे है नहीं, बहुत अच्छी डिविडेंड यील्ड है ऑफ ऑलमोस्ट 4-4.5%, और इबिट मार्जिन जो ये पोस्ट करते हैं आई थिंक अराउंड 13-14% इज वेरी वेरी कमेंडेबल, जिसकी वजह से इनकी जो रिटर्न रेशियोज हैं फॉर अ कैपिटल इंटेंसिव कंपनी एट 11-12% ये भी बहुत सराहनीय है। तो मेरे ख्याल से आई थिंक जैसे एग्जीक्यूशन की इंप्रूवमेंट्स देखी जाएगी और ऑर्डर बुक जैसे स्टैकअप होते जाएंगे, इरकॉन शायद एक काउंटर है जो मुझे बहुत पसंद आ रहा है रेल काउंटर्स में से। देखिए बात करते करते टाटा पावर रखिए डायरेक्टर साहब, टाटा पावर की बात हो रही है तो उसी को रखा जाए स्क्रीन पर, क्योंकि ये ट्रेडर्स का फेवरेट स्टॉक है और मैं एक राय यहाँ पर फंडामेंटल एक्सपर्ट से भी लेना चाहता हूँ। सबसे ज़्यादा दिक्कत देखिए अगर किसी ग्रुप कंपनी को थी उसमें टाटा पावर को थी। बोर्ड बैठक जब होती है तो दिक्कतों के सॉल्यूशंस के लिए होती है, ध्यान रखिएगा आप। और आपको सुबह सुबह आशीष ने क्या बताया था? आशीष ने कहा था कि टाटा पावर के इन्विट्स पर विचार हो सकता है, उनके डेट रिडक्शन प्लान के ऊपर विचार हो सकता है। वो ग्राफिक की लाइन दिखा दीजिएगा डॉक्टर साहब जो आशीष ने सुबह सुबह टाटा पावर के लिए कही थी, और ये वो स्टॉक है फिर बढ़िया प्रदर्शन दिखाएगा। इसीलिए आज खुलने के बाद मिड कैप में टाटा ग्रुप की कंपनी में एफएनओ का सबसे लिक्विड स्टॉक यही था, इसीलिए मैंने सोचा खुलने के बाद भी इसके ऊपर जरूर बात होनी चाहिए। मयूरेश जी, टाटा पावर बताइए आपको कैसा लग रहा है? और इस समय बाजार को एक चीज पसंद आती है, जो कंपनी कहती है कि मैं डेट को कम कर रहा हूं बाजार कहता है थम्स अप, वेरी गुड। ये बताइए अगर कुछ आउटकम निकल कर आता है इस बैठक में तो टाटा पावर क्या अच्छा प्रदर्शन आगे भी दिखा सकता है, और आपकी राय इस पर, क्योंकि माइनिंग और मेटल वाली खबर भी इस कंपनी के लिए सेक्टर के लिए पॉजिटिव है। बिल्कुल हेमंत जी, और आई थिंक दो चीज जो मार्केट देखना चाहता है टाटा पावर के केस में स्पेसिफिकली, एक जैसे आपने राइटफुली कहा डेट डी रिडक्शन, तो आई थिंक जो डेट डीलेवरेजिंग की हम बात करते हैं ये बहुत मायने रखता है टाटा पावर और पावर कंपनियों के शेयरों के लिए। टाटा पावर की डेट लगभग 47-48,000 crores हैं और मैनेजमेंट ने पिछले तिमाही के नतीजों के बाद बहुत एक क्लियर रोड मैप दिया था सिनर्जी करके इनका जो पास चलो पहले एक्सपेक्टेड टू सेल दैट ऑफ। डिफेंस में आई थिंक कुछ ना कुछ कंपोनेंट्स ये बेचने की कोशिश कर रहे हैं, शिप बिल्डिंग में दे आर प्रोबब्ली लुकिंग एट पोटेंशियल बायर्स, और अगर कुछ इनविट रूट से ये पैसा या कैपिटल रेजिंग करते हैं तो जो डेट रिडक्शन आएगा बैलेंस शीट के ऊपर अगले कुछ तिमाहियों में, एक सिग्निफिकेंट रिडक्शन इंटरेस्ट के दौर पे बैलेंस शीट पे पेश होता है। दूसरा, आई थिंक जो मुंद्रा को रिलेटेड आई थिंक एक ओवरहैंग बना हुआ है, आई थिंक जो कोल जेवी है इनकी हेमंत जी, आई थिंक कोल जेवी से जो जबरदस्त प्रॉफिटेबिलिटी निकलती है, आज आप कुकिंग कोल के प्राइसेस देखिए एफओबी लेवल पे और जो एक्सपेक्टेशंस है रॉयल्टी को लेके इंडोनेशियन माइंस से, आई थिंक ये सारी चीजें बाजार ने पचा ली है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक गोल्ड जेवी के जो प्रॉफिटेबिलिटी है और जो एबिट पोस्ट करती है दैट विल स्टिल कंटिन्यू टू बी ऑन अ लार्जर स्केल। तो पूरा का पूरा फोकस अगर ये कंपनी डेट डी लेवरेजिंग पे रखती है और जो लगा चुकी है, यानी फेरी स्टेप्स आर टेकन इन दैट रिस्पेक्ट, और जो माइनिंग के रिफॉर्म्स आ रहे हैं आई थिंक कमर्शियल एंड कैप्टिव माइनिंग अगर डोमेस्टिकली भी इनको मिले एग्जीक्यूटेड, तो यस आई थिंक अगर ये बोर्ड मीटिंग से कुछ पॉजिटिव्स निकल के आती है तो टाटा पावर के लिए एक बहुत पॉजिटिव खबर मानी जाएगी।